हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। दोस्तों, क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री और अर्धवार्षिक पेपर के लिए दोस्तों मैंने जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सका दोस्तों पूरे ऐड किया है। इस वीडियो में दोस्तों आपको पूरे के पूरे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिए और सारे क्वेश्चन तैयार करिए। और हाँ दोस्तों, मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो आपका फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर दोस्तों 1 से 2 दिन लेट बनेगा, लेकिन दोस्तों उसको मैं इसके डिस्क्रिप्शन के लिंक में दे दूंगा, इसको बाद में जाकर आप उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो जैसा दोस्तों आज आपको ये आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल गए हैं, 2 से 3 दिन बाद दोस्तों वो भी मिल जाएंगे क्योंकि उसमें वर्क कर रहा हूं। दोस्तों क्वेश्चन ऐड करना होता है, थोड़ा सा समय लगता है। और अर्धवार्षिक पेपर जस्ट दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा एमपी बोर्ड में 9 दिसंबर में गवर्नमेंट स्कूल में स्टार्ट होने वाला है। तो दोस्तों आप लोग भी यदि किसी भी स्टेट से हो, आपके में भी दोस्तों दिसंबर में डेफिनेट है दोस्तों कि पेपर होना ही होना है, इसलिए दोस्तों इन सारे क्वेश्चनों को आपको तैयार कर लेना है। और हाँ दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि सर 100% क्या आएगा। मेरे भाइयों, 100% में इतना पेपर नहीं बनाया कि 100% आएगा, पर गारंटेड कहता हूं दोस्तों 70% प्लस क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। इसलिए दोस्तों आप सारे के सारे क्वेश्चन पढ़ लेना और सारे क्वेश्चन का आपको आंसर दोस्तों, कई लोग कहते हैं सर इसको हल कराइए, तो हर का सोल्यूशन मैं यही देना चाहूंगा दोस्तों कि इसका हल आपको प्लेलिस्ट में जाएंगे, पूरे वीडियो ढूंढ सकते हैं। अब दोस्तों इतने सारे क्वेश्चन के मैंने वीडियो बना रखा है, आप लोग प्लेलिस्ट में सारे वीडियो देखें और अच्छे से पढ़ाई करें। हो सकता है प्लेलिस्ट में 1-2 प्लेलिस्ट हो जाए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अलग से मिलेगा, इनऑर्गेनिक का अलग से मिलेगा, इसलिए आप लोग वहां से देख लीजिए, और साथ में भी हो सकता है। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों चैप्टर 1 से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है क्लास 12th केमिस्ट्री में। वार्षिक यानी एनुअल एग्जाम की मैं बात करूं तो एनुअल एग्जाम में दोस्तों क्या पूछा जाता है, तो दोस्तों वहां पर ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है। लेकिन फिर भी दोस्तों अर्धवार्षिक दृष्टिकोण से शाटकी और फ्रेंकल दोष आप पढ़ लीजिए, है ना, ऑब्जेक्टिव तो पूछा ही जाएगा। साथ ही दोस्तों सहसंयोजी ठोस, आयनिक ठोस, इनको भी आप पढ़ लीजिए थोड़ा सा, है ना, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। और दोस्तों एक क्वेश्चन और है, अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय, प्रतिलौह चुंबकीय, इनको भी आप थोड़ा सा पढ़ लेना, क्योंकि त्रैमासिक पेपर में आया था, अर्धवार्षिक में भी आ सकता है, लेकिन एनुअल एग्जाम में किसी भी प्रकार से यहां से क्वेश्चन आने वाले नहीं है, यहां से ओनली पार ऑब्जेक्टिव आते हैं। चैप्टर 2 में चलते हैं दोस्तों। इससे दोस्तों एक तो पहले आप समझे, आंकिक प्रश्न भी आता है चैप्टर 2 से, मतलब चैप्टर 2 से आंकिक प्रश्न आपको मिलेगा, है ना। साथ ही दोस्तों किससे आंकिक क्वेश्चन मिलते हैं, तो नॉर्मलता, मूलरता, मूललता, इनसे आंकिक क्वेश्चन मुख्य रूप से मिलता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नॉर्मलता क्या है इसका सूत्र, मूलरता क्या है इसका सूत्र, ठीक है, मूललता और फार्मलता, मूल प्रभाज और दोस्तों मूलों की संख्या, इनसे क्वेश्चन भी कभी कभी 2 नंबर के पूछे जाते हैं। अगला दोस्तों राउल्ट का नियम और इसका गणितीय व्याख्या, इससे 4 नंबर का क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाएगा। राउल्ट का नियम क्या है, गणितीय व्याख्या, और दोस्तों ये भेदी 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 जितना भी कहो उतना महत्वपूर्ण है दोस्तों, इससे आपेक्षिक वास्तव में आमनमन में भी इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। राउल्ट के नियम से वास्तव के आपेक्षिक नमन की गणितीय व्याख्या कीजिए, और ये सारे वीडियो ना मिल जाएंगे यार प्लेलिस्ट में, चिंता करने की जरूरत नहीं है। परासरण दाब मापने की बर्कले हार्टले विधि, बर्कले हार्टले विधि, ये भी दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों क्वेश्चन। धनात्मक विचलन ऋणात्मक विचलन में अंतर, और आदर्श व अनादर्श विलयन में, आदर्श व अनादर्श विलयन में अंतर। साथ ही दोस्तों 1-2 क्वेश्चन और है इसमें, वास्तव में आपेक्षिक अवनमन किसे कहते हैं, हिमांक में अवनमन, ये 2 क्वेश्चन और हैं। और दोस्तों एक क्वेश्चन और होता है, वांट ऑफ गुणांक क्या है, इसी चैप्टर में आता है, वांट ऑफ गुणांक क्या है, है ना, तो उसे भी आप पढ़ लेना, लेकिन इन क्वेश्चनों को आपको मुख्य रूप से तैयार कर लेने हैं। चैप्टर 3 की बात करूं दोस्तों, तो कोलराज का नियम काफी महत्वपूर्ण है, माना हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव, विद्युत रासायनिक सेल, फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम, संक्षारण किसे कहते हैं, इसका वर्णन, इसके रोकने के उपाय, इसकी रासायनिक विधि, है ना, शुष्क सेल क्या है, इतने क्वेश्चन दोस्तों लगभग 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन आप तैयार कर लेंगे। इनमें से कोलराज का नियम वेरी इंपॉर्टेंट, फैराडे का विद्युत अपघटन वेरी इंपॉर्टेंट, और दोस्तों साथ ही ये तीसरा संक्षारण का और मानक हाइड्रोजन, 4 क्वेश्चन तो बिल्कुल आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, बाकी दोस्तों सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। और दोस्तों कहीं ना कहीं अथवा में तो क्वेश्चन आएगा यार, दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला दोस्तों चैप्टर है चैप्टर 4, इसमें से भी दोस्तों आंकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूं दोस्तों क्योंकि चैप्टर 4 और चैप्टर 2, मतलब 2 चैप्टर से आंकी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप लोगों से बनने चाहिए, है ना, हो सकता है अभिक्रिया की कोटि से संबंधित आंकी क्वेश्चन आ जाए, और डेफिनेट रूप से आता ही है दोस्तों। जब हम एग्जाम दिए थे 2013 की मैं बात कर रहा हूं, जब मैं एग्जाम दिया दोस्तों 2013 में पास आउट हुआ 12th क्लास, उसमें से मैं दोस्तों यहां से आंकी क्वेश्चन आया था, ठीक है ना।
दोस्तों देखिए पहला क्वेश्चन है प्रथम कोटि शून्य कोटि अवक्रिया के व्यंजक और अर्धायुकाल, मतलब प्रथम कोटि की अवक्रिया किसे कहते हैं, इसका गणितीय व्याख्या और इसका अर्धायुकाल भी बनना चाहिए। इसी प्रकार शून्य कोटि की अवक्रिया किसे कहते हैं, इसका गणितीय व्याख्या, व्यंजक और इसका अर्धायुकाल निकालते आना चाहिए। अवक्रिया की कोटि और अनुसंगता में अंतर क्या है, अवक्रिया की कोटि और अनुसंगता में अंतर क्या है। अगला दोस्तों अवक्रिया की दर व दर स्थिरांक में अंतर, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है पर ये दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है। और अवक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक भी एक बार पूछा गया था, उसे भी तैयार कर लेना। और दोस्तों आर्हेनियस समीकरण, सकरण ऊर्जा और देली ऊर्जा में संबंध, इन क्वेश्चन को भी आप तैयार कर लेना, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं दोस्तों चैप्टर फाइव में, तो चैप्टर फाइव में दोस्तों इससे दो दो नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मुख्य रूप से, तो टिंडल प्रभाव, ब्राउनी गति, कुलाइडी के तंत्र के प्रकार, कुलाइडी दोस्तों प्रकार में अंतर जो है उसको भी पढ़ लेना, हार्डी सुलझे का नियम, पायस, स्कंदन है ना, वैद्युत कर्ण संचलन तथा दोस्तों इसका अनुप्रयोग, मतलब आपका जो दोस्तों टिंडल प्रभाव है ना, कुलाइडी कण का अनुप्रयोग, तो इस प्रकार के दो दो नंबर इससे क्वेश्चन आते हैं। लेकिन मुख्य रूप से जितना क्वेश्चन मैंने ऐड किया है इनको तैयार कर लेंगे तो आपको कहीं ना कहीं अच्छे नंबर मिल सकते हैं, ठीक है। चैप्टर सिक्स दोस्तों अब के टाइम पे चैप्टर सिक्स के जो एनुअल एग्जाम होते हैं वहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, कैसे दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये हाफ ईयरली एग्जाम है दोस्तों, हाफ ईयरली एग्जाम के लिए क्वेश्चन बना रहा हूं, तो वहां पे दोस्तों कहीं ना कहीं क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। तो जैसे दोस्तों क्वेश्चन कहां से आ सकता है, बॉक्साइट के शोधन विधि में, सर्पेक दोस्तों है ना, बेयर की विधि मैंने कराया था, तो बॉक्साइट की शोधन की विधि आप पढ़ लेना। लोहे के दोस्तों निष्कर्षण, बात्यावट्टी का नामांकित चित्र है ना, कार्यविधि यानी वर्णन, इसको भी आप पढ़ लेना। डलवा लोहा, पिटवा लोहा और इस्पात में अंतर, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। एल्युमिनियम के मिश्र धातु दोस्तों चार मिश्र धातु पढ़ने हैं, कापर के भी चार मिश्र धातु पढ़ने हैं। जस्ता निष्कर्षण के लिए खड़े रिटार्ट की विधि, ये कई वर्ष क्वेश्चन पूछा गया है। और बेसेमरीकरण दोस्तों तो पूछता ही है, ठीक है, तो बेसेमरीकरण भी पढ़ लेना है ना। तो इतना क्वेश्चन काफी है दोस्तों, क्योंकि आपको भी तैयार करने के लिए यदि मैं पूरा क्वेश्चन दे दूंगा तो दिक्कत हो सकता है, तो जितना भी क्वेश्चन दोस्तों सॉलिड करिए, मैं 100% तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन दोस्तों कुछ ना कुछ नंबर आपके अच्छे आ जाएंगे, ये गारंटेड है। चलिए आगे दोस्तों चैप्टर सेवन की बात करूं, तो चैप्टर सेवन में दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा क्वेश्चन है, और अर्धवार्षिक में भी आपको दो से तीन क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, हाफ ईयरली में तीन क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो चलिए तो दोस्तों देखते हैं, तो तीन तो ऑक्सी अम्ल पढ़ना है, सल्फर, क्लोरीन और फास्फोरस, तीन ऑक्सी अम्ल में एक ऑक्सी अम्ल आपको मिलेगा, इस बार त्रैमासिक में आया था, अर्धवार्षिक में भी आने के पूरे चांसेस हैं, सल्फर, फास्फोरस और क्लोरीन के ऑक्सी अम्ल। लाल फास्फोरस, सफेद फास्फोरस में अंतर भी पढ़ना है, और नाइट्रोजन की ऑक्साइड, ये भी दोस्तों क्वार्टरली एग्जाम में आया था, लाल फास्फोरस और ये सफेद फास्फोरस इसमें भी क्वेश्चन आया था, अथवा में थे दोस्तों है ना, अथवा में रहते हैं। आगे दोस्तों देखते हैं अमोनिया बनाने की हैवर विधि, ये चैप्टर सेवन की है। H2SO4 ऊपर बनाने की संपर्क कक्ष विधि, ठीक है, नाइट्रिक अम्ल बनाने की ओस्टवाल्ड विधि, ये सारे के सारे काफी महत्वपूर्ण है यार, है ना। ओजोनाइजर, सीमेन ओजोनाइजर विधि, ओजोन बनाने की ओजोनाइजर विधि, सीमेन हालस्के की विधि, सीमेन मार्टिन की विधि, तो ये दोस्तों विधियां हैं जो ओजोन बनाने की विधियां हैं, इनको भी आपको पढ़ लेना है, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों अंतर हैलोजन यौगिक किसे कहते हैं, किन्हीं भी दो अंतर हैलोजन यौगिक को समझाइए और जेनान के यौगिक भी बनाइए, है ना। जेनान के यौगिक कम से कम चार यौगिक आपसे बनना चाहिए, साथ में दोस्तों उसकी संरचना, ऑक्सीकरण संख्या और दोस्तों यौगिक के नाम भी पता होने चाहिए। आगे देखते हैं दोस्तों चैप्टर एट में, तो चैप्टर एट में दोस्तों लैंथेनाइड संकुचन मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों चैप्टर एट में लैंथेनाइड और एक्टिनाइड से संबंधित क्वेश्चन है, तो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड दोस्तों आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। साथ ही दोस्तों आंतर संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, ये भी आपको पढ़ना है। डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में अंतर आता है, ठीक है, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड में अंतर। और दोस्तों दो दो नंबर के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, जैसे चार नंबर का क्वेश्चन आता है तो दो दो नंबर के उसमें क्वेश्चन ऐड रहते हैं, तो दोस्तों आ जाता है संक्रमण धातुएं रंगीन आयन बनाते हैं क्यों, चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं क्यों, अपचायक गुण प्रदर्शित करते हैं क्यों, परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं क्यों, तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। डेफिनेट दोस्तों क्लियर है, चलिए देखते हैं अगले चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन है। चैप्टर नाइन में दोस्तों आपको पता होगा उपसहसंयोजी यौगिक है, जो कि अभी चल रहा है, मैं पढ़ा ही रहा हूं, तो उपसहसंयोजी यौगिक में दोस्तों आईयूपीएसी नामकरण सबसे मेन फैक्ट है, इससे दोस्तों ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आ जाते हैं और दो नंबर के क्वेश्चन आने हैं, तो इसके दो नंबर के क्वेश्चन भी आता है आईयूपीएसी नामकरण सबसे बड़ा फैक्ट दोस्तों। यदि आईयूपीएसी नामकरण क्लियर है तो आप इस चैप्टर में दो नंबर डेफिनेट रूप से पा सकते हैं।
बर्नर का उपसहस्योजी सिद्धांत उतना तो खास नहीं है दोस्तों जितना आईयूपीएसी नामकरण है, आप इसको अच्छे से तैयार कर लें। समावयवता, इसमें आपको तैयार करना है दोस्तों समावयवता, प्रकाशी समावयवता, ज्यामितीय समावयवता, दो समावयवता तो काफी महत्वपूर्ण है, बाकी के और दोस्तों हाइड्रेट समावयवता, बंधन समावयवता ये भी है, लेकिन दोस्तों प्रकाशी और ज्यामितीय समावयवता तो पढ़ ही लेना यार, ठीक है। अगला क्वेश्चन ईएन, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या है ना, प्रभावकारी संख्या दोस्तों उपसहसंयोजी यौगिक के, तो इसे भी पढ़ लेना, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, मैंने अभी जस्ट दो दिन पहले वीडियो अपलोड किया है ना, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लेना। बीबीटी, बैलेंसी बांड थ्योरी, संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर यौगिकों की संरचना निर्धारित करना है, ठीक है। फेरोसिन और जायसे लबड़ के बारे में लिखना, दो दो नंबर क्वेश्चन आते हैं। कार्बधात्विक यौगिक और इसके उपयोग, तो इतना क्वेश्चन महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन दोस्तों ये फेरोसिन जायसे लबड़ आपको अच्छे से तैयार करने हैं। अब दोस्तों देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर 10 में, तो चैप्टर 10 में कौन कौन से क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, और ये दोस्तों आ सकते हैं आपके सभी के सभी में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही ऐड किया है। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि, क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि में दोस्तों चित्र तो बनाना ही है, साथ में वर्णन करने और रासायनिक समीकरण देना है। सारे वीडियो प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, आप देख लेना भाई। डीडीटी है ना, डीडीटी और गैमेक्सिन, ये दोस्तों दोनों महत्वपूर्ण है, दोनों की बनाने की विधियां आती हैं, ठीक है, और इसे आप बिल्कुल तैयार कर लेना यार, डेफिनेट रूप से मिलेगा। इन अभिक्रियाओं को समझाने को आता है, रिमर्टीमेन अभिक्रिया, कार्बिलेमीन अभिक्रिया, बूटेज अभिक्रिया, बूटेज फिटिंग अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया, हुंसडीकर अभिक्रिया, फिडेलक्राफ्ट अभिक्रिया है ना, हेलो एल्केन के तुलना में, अगला क्वेश्चन दोस्तों हेलो एल्केन के तुलना में हेलो एरीन क्रियाशील होते हैं क्यों, ये भी दोस्तों क्वेश्चन आता है, और ये मैं कहता हूं ये जब मैंने पेपर दिया था तब ये क्वेश्चन आया था दोस्तों, गारंटेड मैं कहता हूं ये भी आएगा। SN1 अभिक्रिया और SN2 अभिक्रिया कभी कभी पूछता है दोस्तों, इसे भी आप तैयार कर लेना। और निम्न में से और कौन कौन सी अभिक्रिया पढ़नी है, सेंडमैन अभिक्रिया, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, नाइट्रीकरण और हैलोजनीकरण, ये दोस्तों काफी महत्वपूर्ण सारे के सारे रिएक्शन है। अब दोस्तों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कोई गारंटी नहीं होती कि ये क्वेश्चन आएगा, कहीं से भी दोस्तों क्वेश्चन घुमा के आ सकता है, क्योंकि यौगिक से यौगिक बनाना रहता है यार, इसलिए इसमें गैस क्वेश्चन है, मैं नहीं कह सकता कि पूरा 100% कि यहीं से क्वेश्चन आएगा, लेकिन दोस्तों मुझे भी कुछ ना कुछ गैस है कि इन क्वेश्चनों में से पूछा जाता है, तो आप इसको तैयारी कर ले, ठीक है। चलिए दोस्तों चैप्टर 11 जो है आपका एल्कोहल, फिनाल और ईथर, दोस्तों उनमें से जो क्वेश्चन आते हैं, तो एल्कोहल फिनाल में अंतर दोस्तों ये 2018 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया था, 2018-19 दोस्तों 2018-19 चल रहा है ना, और अब तो दोस्तों 2019-20 का सन चल रहा है, मतलब सत्र चल रहा है, तो ये 2018 में पूछा गया था, 2018-19 में एल्कोहल और फिनाल में अंतर। विक्टर मेयर परीक्षण और लुकास परीक्षण दो क्वेश्चन है, विक्टर मेयर परीक्षण और लुकास परीक्षण दोस्तों है ना प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल के परीक्षण होते हैं, तो ये भी काफी महत्वपूर्ण रिएक्शन है। ईथर बनाने की सतत ईथरीकरण या अविरल ईथरीकरण विधि, डायग्राम सहित और आपको वर्णन भी करना है, रासायनिक समीकरण भी देना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों रिमर्टीमैन अभिक्रिया और कोलवे स्मिट अभिक्रिया को भी समझाना है, रिमर्टीमैन अभिक्रिया और कोलवे स्मिट अभिक्रिया दो दो नंबर से पूछे जाएंगे, ठीक है। आगे देखना दोस्तों फिनाल से 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनाल बनाना है, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनाल बनाना है, फिनाल से बेंजीन बनाना है, अर्थ एवं पैराक्रिसाल बनाना है, ट्राइब्रोमोफिनाल बनाना है, फिनाप्थलीन बनाना है और पैराक्रिसाल बनाना है, तो ये दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने ऐड किया है। अब दोस्तों पूरे क्वेश्चन तो लिख नहीं सकता हूं, लेकिन दोस्तों आप लोग आशा करता हूं कि इन सारे क्वेश्चनों को आप तैयार कर लेंगे। साथ ही दोस्तों जो आपका ये एग्जाम हाफ ईयरली होने वाला है, उसमें दोस्तों पर्यावरण रसायन, मतलब दोस्तों पीछे का जो केमिस्ट्री है उसमें दोस्तों क्वेश्चन आएंगे है ना, उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों, तो जैसे आपको पता होगा कि पहला क्वेश्चन तो दोस्तों साबुन और अपमार्जक में अंतर, पढ़ लेना पिछले वर्ष साबुन दोस्तों और अपमार्जक में अंतर आया था हाफ ईयरली में, और इस वर्ष भी आ सकता है साबुन और अपमार्जक में अंतर, ठीक है दोस्तों साबुन और अपमार्जक में अंतर आपको पढ़नी है, पहला क्वेश्चन आपको मिल गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों आपको पढ़ना है कौन कौन सा, मैं बता देता हूं, कोई भी दोस्तों औषधियों, वैसे तो ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रोगाणुनाशी क्या है, ठीक है, मैं जो कह रहा हूं दोस्तों इनको पढ़ ही लेना आप, रोगाणुनाशी क्या है दोस्तों, डिटर्जेंट क्या है ना, सल्फर ड्रग क्या है, ये क्वेश्चन दोस्तों 2017 में आया था, एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स, ठीक है, कैसा दोस्तों मैं लिख दे रहा हूं, एंटी दोस्तों फर्टिलिटी ड्रग, ये दोस्तों आपका क्वेश्चन आया था 2017 में आया था, ठीक है,
और एनुअल एग्जाम में आया था दोस्तों, तो इसको भी आपको तैयार कर लेना है, रुगाड़ राशि। और दोस्तों ये हो गया आपका, है ना, ड्रग्स हो गया, एंटासिड पढ़ लेना दोस्तों, है ना, ये सभी के सभी औषधि है दोस्तों, और औषधि तो आते ही है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। एक आपको मैंने बताया साबुन, और ये जो डिटर्जेंट अपमार्जक है, इन दोनों का अंतर साथ में इनका डिटेल भी पढ़ लेना, ठीक है। साथ में दोस्तों पूर्तिरोधी किसे कहते हैं, पूर्तिरोधी, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है दोस्तों, और यहां से आते हैं, मत सोच लेना कि बिल्कुल इजी है यार, ये तो ऐसे ही है ना, ऐसे पढ़ लेंगे। प्रतिजैविक, है ना, इनसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो आप इनको तैयार कर लेना, ठीक है। साथ ही दोस्तों इसके एक पहले एक चैप्टर डीएनए और आरएनए में अंतर है, विटामिन से प्रोटीन है ना, कार्बोहाइड्रेट से, इन इन टॉपिक्स को पढ़ लेना। पहला टॉपिक आप पढ़ लेना डीएनए और आरएनए में अंतर, है ना। दूसरा टॉपिक पढ़ लेना दोस्तों कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तीसरा टॉपिक आप पढ़ लेना विटामिन, है ना, जो चैप्टर आपका दोस्तों लास्ट सेकेंड है ना, ये दोस्तों आपको पढ़ लेना है, और कुछ नहीं रहेगा दोस्तों इसमें, और बचा है आपके पास मतलब एमीन समूह, तो आप यदि तीन पढ़ लेते हैं दोस्तों, प्रोटीन आता है दोस्तों, पेप्टाइड बंद आता है, इसको आप पढ़ लीजिए, पेप्टाइड बंद क्या है, है ना, प्रोटीन से संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये तीन चार टॉपिक भी आप इससे पढ़ लेंगे तो काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं दोस्तों कौन कौन से आपके क्वेश्चन है, सारे के सारे मैं स्क्रीनशॉट के लिए वीडियो रोकूंगा, आप लोग सभी के सभी क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट करेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों तुरंत आप करिए फटाफट, ये रहा अगला स्टेप, और ये रहा दोस्तों अगला स्टेप, ठीक है। पूरे के पूरे दोस्तों आपको वीडियो रोक रोक कर पूरा स्क्रीनशॉट लेना है, और ये रहा दोस्तों आगे, ठीक है, पूरा आपको क्वेश्चन लिखना है, ठीक है दोस्तों। तो हो गया कंप्लीट पूरा, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलते हैं दोस्तों, लंबा वीडियो है लेकिन सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, आशा करता हूं आप लोग अच्छे से तैयारी कर लेंगे, और ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करना, ताकि सभी का दोस्तों हित हो सके, क्योंकि कई लोग बच्चे कई परेशान रहते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से मिले कहाँ से मिले, तो प्लीज मेरे भाइयों यदि आप एक एक दोस्त को भी शेयर करते हैं तो सभी का भला होगा, और थोड़ा हमारा भी थोड़ा सा हेल्प हो सकेगा। चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।